बदरुद्दीन अजमल ने ऋतुपर्ण पेगू के हत्यारे को फांसी देने की मांग की है, साथ ही 1,00,000 रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने गुवाहाटी में एक निशंस हत्या में मारे गए ऋतुपर्ण पेगू के हत्यारे को कड़ी सजा देने की मांग की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए मांग के साथ ही हत्यारे को फांसी दी जाने की मांग भी बदरुद्दीन अजमल ने किया है और अजमल फाउंडेशन से परिवार को 1,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। असम हेडलाइंस न्यूज के लिए कृष्णा कुमार वर्मा की रिपोर्ट। मैं आज नक मर्माहित गुवाहाटी एनेकवा घटना आम कदिन शुना ना ऋतुपर्ण फेगुर डांगरिया हत्या तार वाइफर नाम आलिना फेगु 9 माह एट शिशु राखी दरिद्र मानुक तीनजने चारिजने शुनीस तार हत्या कर दीसे। मोर बहुत ही दुख लगे, बहुत ही मर्माहत आम एने घटना एर आगे बोधे कदिन हुआ ना। यूर कारण मैं सरकार रिक्वेस्ट कर आहान दी आसो जी जल्दी है। मैं इतिम्य शुनीस चारिजनक एरेस्ट कर फास्ट ट्रेकत यह केस तो चाल दोषी फाँसिर सजा दी लगे, कुरते क्षमा कर नागे। बहुत ही दुखदायक, बहुत मर्माहत हर कथा। आम आम आजमल फाउंडेशनक मैं कह दी निर्देशन दीसूँ इतना धेमाजीत गई से तर लाश लिया दु तीन दिन पीछे आ जा আমার আজমল ফাউন্ডেশনের মানুষে এই শিশুর কারণে তার ওয়াইফ তার মার কারণে 1,00,000 টাকা একটা পুঁজি আমি একেলগে দিম। আমার আজমল ফাউন্ডেশনে কই দি দিব, আরও যদি ভবিষ্যতে কোনো প্রয়োজন হয় আমি এইটার খেয়াল রাখিম। এইটার কারণে মই একবার আকু অসম সরকারক কই আছো এই দোষীসকলক কেতিয়াবা ক্ষমা করব না লাগে, যিমান জলদি হয় ফাঁসির শাস্তি দিব লাগে। বস ইমান কবা লাগা আছিল, আজি মই আকু একবার কইছো আমি বহুত দুঃখী হয়েছি। ফেঞ্চার মানে